यहाँ मेरे पास एक मशरूम है, लेकिन ये मशरूम बेहद जहरीला मशरूम है। प्रकृति में ऐसे बहुत से मशरूम लगते हैं, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आमतौर पर जो मशरूम नीचे से लाइन वाले होते हैं, जिनमें लंबी लकीरें होती हैं, वो कम जहरीले होते हैं या खाने लायक होते हैं। और जो मशरूम नीचे से छेद 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 वाले होते हैं, रोम कूप वाले, वो अक्सर खाने वर्जित होते हैं। हालांकि ये कोई सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है, लेकिन अधिकांशतः इस नियम का पालन किया जाता है। तो ये एक जहरीला मशरूम है, मैं दिखाता हूँ कैसे। ज़रा नज़दीक आकर देखो, ये देखिए, ये मशरूम है और ये इसकी ऊपरी बनावट है, और ये इसके पीछे ये रोम कूप बने हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे रोम कूप बने हुए हैं। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है, और इसको कभी इसकी सब्जी बनाकर या इसका सेवन कभी भी नहीं किया जाता। तो प्रकृति में इस तरह के मशरूम मौसम के हिसाब से, ऋतु के अनुकूल ये उत्पन्न होते हैं। ये बेहद सुंदर मशरूम है और ये नमी वाली जगह पे ही पैदा होता है। ये देखिए, इसका पिछला भाग ये कुचल गया है थोड़ा सा, लेकिन इसके रोम कूप दिख रहे हैं, और ये इसका छत्र दिख रहा है, बहुत ही सुंदर। और इस पर ये शिराएं बनी हुई हैं। इसको मैं फिर वहीं रख देता हूँ, हालांकि अभी ये लगेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी कई बार इसके नीचे जड़ें देखिए, जड़ें बहुत कम होती हैं इसमें, लेकिन ये फिर भी दोबारा रखने से यहाँ दोबारा नमी के बीच में ये फिर लग जाएगा। तो इसको मैं हल्का सा दबा देता हूँ ताकि ये अपनी जगह पर टिक जाए एक बार, ऐसे। शुभम कुरु शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शुभम कुरु शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शुभम कुरु शिवाय नमः।